Hello everyone, welcome to the lecture number 5 of the volumetric analysis. Last lecture में हमने देखा था कि किस तरह से हम equivalent weight calculate कर सकते हैं किसी भी acid का, base का या फिर oxidant reductant का, वो हमने या फिर किसी salt का, वो हमने last lecture में देखा था. आज के lecture में हम उसी जो हमने नॉर्मेलिटी पढ़ी है, मोलरिटी पढ़ी है या फिर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पढ़े हैं जो कि कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसी पे बेस पे या फिर जो नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. देखो, पहला न्यूमेरिकल जो है वो है कैलकुलेट द मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH, 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन. देखो यहाँ पर सॉल्यूशन कितना है, 500 ml है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है जिस सॉल्यूशन में 2 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व है, उसमें 2 ग्राम NaOH डिसॉल्व है. अब देखो यहां पर हमें गिवन क्या क्या है, यहां पर हमें गिवन क्या क्या है, तो यहां पर दिया हुआ है कि 2 ग्राम NaOH है. कितना है NaOH, 2 ग्राम है, जो कि डिसॉल्व है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम है 500 और उसमें 2 ग्राम NaOH है. तो उस सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी, सबसे पहले मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, उसके बाद नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है उस सॉल्यूशन की. तो देखो जो भी गिवन है वो क्या है, गिवन वेट ऑफ NaOH, वेट ऑफ NaOH कितना है, 2 ग्राम है. कितने में 2 ग्राम है, तो 500 ml में 2 ग्राम है. तो हमें पता है कि जब हम मोलरिटी या फिर नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हमें पर लीटर चाहिए. तो देखो अगर आधा लीटर में 2 ग्राम है तो 1 लीटर में कितना होगा, तो 1 लीटर में होगा 4 ग्राम. तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, देयरफॉर वेट ऑफ द NaOH पर लीटर होगा 4 ग्राम. ओके, उसके बाद सबसे पहले हमें मोलरिटी उसकी कैलकुलेट करनी है. तो मोलरिटी क्या होती है, वेट ऑफ NaOH पर लीटर, जो भी सब्सटेंस हमें दिया है उसका हमें पर लीटर कितना वेट है वो लेना होता है और उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होता है. तो देखो यहाँ पर लीटर वेट कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4 ग्राम. तो यहाँ पर हम लेंगे 4 और उसको डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से. तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है NaOH का, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, यहाँ पर गिवन भी है 40. नहीं होगा तो भी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता है. तो यहाँ पर देखो 1 लीटर में 4 ग्राम है और उसको हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे. उसको जब हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो इसकी मोलरिटी आएंगी 0.1 मोलार. ओके, क्या किया हमने, मोलरिटी के लिए हमें जो भी सब्सटेंस होता है उसका वेट पर लीटर होता है, बराबर. तो पर लीटर में वो उसका वेट कितना है उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होता है, ये रेशो होता है मोलरिटी, ये हमने डेफिनेशन में सीखा था. ओके, तो इस तरह से इसकी मोलरिटी आ जाएगी 0.1 मोलार. आगे देखते हैं कि इसकी नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है. आपको पता है कि अगर हमें नॉर्मेलिटी चाहिए तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट वेट लगेगा NaOH का, इक्विवेलेंट वेट लगता है NaOH का. अब NaOH क्या है, NaOH बेस है, तो बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो उसी तरह से जिस तरह से एसिड का निकालते हैं. देखो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लेना होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 40 और उसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, या फिर उस बेस में कितने OH नेगेटिव आयंस वो फर्निश करता है उससे उसको डिवाइड करना होता है. तो NaOH के केसेस में एक ही OH नेगेटिव आयन है तो इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे. इसको 1 से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा अगेन 40. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट एक ही है, 40 ही है. तो अभी आप समझ गए होंगे कि इसकी नॉर्मेलिटी भी इतनी ही आएगी. चलो देखते हैं कैसे आएगी. क्या होती है नॉर्मेलिटी, वेट ऑफ द NaOH होता है, तो वेट ऑफ द NaOH अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है. वेट ऑफ द NaOH कितना है, 2 ग्राम है 500 ml के लिए. ओके, तो पर लीटर के लिए कितना होगा,
4 ग्राम होगा, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आता है, इसका इक्विवेलेंट वेट आता है 1, क्योंकि इसमें रिप्लेसेबल एक ही OH नेगेटिव आयन है, तो सॉरी इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा 40, क्योंकि 40 अपॉन 1 होगा, क्योंकि इसमें एक ही OH नेगेटिव आयन रिप्लेसेबल है। तो देखो ये हो गया, जिस तरह से मोलरिटी है उसी तरह से नॉर्मेलिटी भी आएगी कि 4 एक लीटर में 4 ग्राम है और उसको हम उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम ही है, तो इसकी नॉर्मेलिटी भी उतनी ही आएगी जितनी मोलरिटी है। मोलरिटी 0.1 मोलान है तो नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल आएगी। मोलरिटी को हम यम से लिखते हैं और नॉर्मेलिटी को यन से लिखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं नंबर 2 न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल। इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें हमें कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी दोनों कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। कितना H2SO4 है, 4.9 ग्राम है इन 500 ml ऑफ वाटर। 500 ml वाटर में H2SO4 4.9 ग्राम है, तो इस सॉल्यूशन की हमें मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी निकालनी है। देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 98, गिवन है 98, ओके। तो चलिए चलते सॉल्यूशंस किस तरह से इसका आएगा। सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इज 98। सेकेंडली अब हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा नॉर्मेलिटी के लिए, तो नॉर्मेलिटी के लिए हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे H2SO4 का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा एसिड का, ये एसिड है H2SO4, तो जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उस मॉलिक्यूलर वेट को हम किस से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयंस, यानी कि जो भी उस एसिड की बेसिसिटी है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 98/2। अब 2 कहाँ से आया, तो H2SO4 की जो भी बेसिसिटी है यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयंस है, तो H2SO4 में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 होते हैं, तो इसीलिए 98/2 होगा, इट बिकम्स 49। तो ये 49 हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो देखो मोलैरिटी के लिए ये भी हमने फॉर्मूला यूज किया था, मैंने आपको ये बना के दिया था फॉर्मूला कि किस तरह से हम आगे न्यूमेरिकल्स में काम आता है, इसलिए इस तरह से भी हमने इसको बनाया था। देखो मोलैरिटी क्या है, ये मोलैरिटी में हमें क्या करेगा, वेट ऑफ द सोल्यूट लेना पड़ेगा, कितना है उस सोल्यूशन में वो लेना पड़ेगा वेट ऑफ सोल्यूट। ये 1000 ml यानी कि 1 लीटर के लिए है, इसीलिए 1000 लिखा है यहाँ पर, ये ml है यानी कि 1 लीटर है, और ये मॉलिकुलर वेट होगा, जो भी सब्सटेंस हमें दिया है उसका मॉलिकुलर वेट लेना है, और ये वॉल्यूम है जो भी हमें बताया गया है कि इतने वॉल्यूम में बनाना है या फिर इतने वॉल्यूम में इतना ग्राम डिजॉल्व है। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम भी गिवन है, इसमें हमें वो वैल्यू पुट करनी है। अब जो वेट है, वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है, 4.9 है, देखो यहाँ पर बताया है 4.9, ये वाला 4.9 है, तो 4.9 हमने ले लिया। उसके बाद इसको डिवाइड करना है इसके मॉलिकुलर वेट से, तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना है, 98 है, ये 1000 क्या है, तो ये 1 लीटर का ml है, बराबर 1 लीटर का ml में कन्वर्शन है कि 1000 ml है, और अपॉन कितना है 500 ml, तो ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, वो भी 500 ml है। तो इस कैलकुलेशन को करते हैं, अगर हम इस कैलकुलेशन को करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2, तो 4.9/98 × 2, ये कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा 0.1 मोलार, 0.1 मोलार, सिंपल कैलकुलेशन है, 0.1 मोलार बन जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में 500 ml में 500
500 ml में अगर 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व है तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी 0.1 मोला, 0.1 मोला। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स है उसमें अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है या फिर किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी मोलैरिटी निकालनी है तो ये सब आपको आना चाहिए। ओके तो यहाँ पर हमने मोलैरिटी अभी निकाली है, हमें और इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कहा गया है कि कैलकुलेट दी मोलैरिटी, तो मोलैरिटी तो हमने इसकी निकाल दी है, अब हमें लेना है इसकी नॉर्मेलिटी। ओके तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, बस इसी तरह से निकलेगी, सिर्फ उसमें फर्क क्या आएगा कि जहां पर मॉलिकुलर वेट है वहां पर हमें इक्वेलेंट वेट लेना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नॉर्मेलिटी के लिए। अब हमें नॉर्मेलिटी लेनी है, तो नॉर्मेलिटी लेने के लिए क्या होती है, वेट ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट होता है। तो देखो वेट ऑफ H2SO4 कितना है, 4.9 ग्राम है, लेकिन कितने के लिए है, ये 500 ml के लिए है। तो अगर हमें 1 लीटर के लिए चाहिए तो इससे डबल करना पड़ेगा, तो वो कितना आएगा, 9.8 आएगा, बराबर 9.8 आता है। अब नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी के लिए हम क्या करेंगे कि जितना भी वेट इसमें है वो वेट मतलब वेट पर लीटर कितना है, वेट पर लीटर 9.8 ग्राम है, उसको हम उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट कितना है, 49 है, बराबर पहले वाला फॉर्मूला 49 है, क्योंकि ये क्या होता है, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व पर लीटर अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ द मोलैरिटी मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो हमें इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ेगा, और इक्विवेलेंट वेट कितना आता है H2SO4 का, पहले वाली स्लाइड पे देखा था, 98 अपॉन 2 आता है। क्यों, क्योंकि H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है, 2 होती है, तो इट बिकम्स 49। तो इसका 49 हो गया इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट से हम जो भी 1 लीटर में, मान लो कि 1 लीटर में इतना है, 9.8 ग्राम है 1 लीटर में, उसको हम उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 0.2 नॉर्मल। ओके यहाँ पर यानी लिखते हैं 0.2 नॉर्मल। हेंस द मोलैरिटी ऑफ गिवन H2SO4, मोलैरिटी हमने पहले स्लाइड पे निकाली कितनी है, 0.1 मोलार है, और नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.2 नॉर्मल है। ओके तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। प्रॉब्लम नंबर 3, कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.2 नॉर्मल 1 लीटर सॉल्यूशन। देखो अब हमें क्या करना है कि यह इस क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ कितना वेट लगेगा ऑक्सैलिक एसिड का, यानी कि कितना ग्राम हमें ऑक्सैलिक एसिड लेना पड़ेगा अगर हमें 1 लीटर उसका सॉल्यूशन बनाना है, और उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 0.2 नॉर्मल रखनी है, तो बताओ कि कितने ग्राम हमें वो लेना पड़ेगा। तो देखो अब हमें वो पूछा गया है कि अगर आपको ये सॉल्यूशन बनाना है तो आप ऑक्सैलिक एसिड कितना लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहां पर गिवन क्या है, गिवन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना है, 126। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ऑक्सैलिक एसिड का, वो है 126। ओके अब ये जो ऑक्सैलिक एसिड है इसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो देखो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो होता है डायबेसिक एसिड। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे उसका, ये एसिड है और ये डायबेसिक है, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। देखो COOH ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड होता है। अब आप देख सकते हो कि इसमें कितने रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयंस है, कितने हैं, 2 हैं, 1 और ये 2। तो अब बताओ कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, इस एसिड की बेसिसिटी आएगी 2,
कितनी आएगी, 2। अगर आपको बोला है कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालो, तो इसके इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें इसके मॉलिकुलर वेट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मॉलिकुलर वेट है 126/2। 2 क्या है, बेसिसिटी है, तो ये आएगा 63। यानी कि ऑक्सैलिक एसिड की एसिड का इक्विवेलेंट वेट है 63। ओके, अब हमें नॉर्मलिटी निकालनी है। नॉर्मलिटी क्या होती है, वेट ऑफ द सोल्यूट पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब हमें नॉर्मलिटी यहाँ पर बताई गई है कि कितनी बनाना है, कितने नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें बनाना है ये 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट पर लीटर कितना है, वेट ऑफ सोल्यूट पर लीटर वही हमें यहाँ पर निकालना है। वही हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हमें निकालना क्या है इसमें, कि कितना वेट आप लेंगे वही निकालना है। तो देखो ये हमें निकालना है, अपॉन 63 आएगा, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट आएगा। ओके, तो अब हमें ये निकालना है, इसको यहीं पर रखते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो ये क्या होगा, 63 इंटू 0.2 इट बिकम्स 12.6 ग्राम। यानी कि अगर हमें एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मलिटी 0.2 नॉर्मल हो ये बनाना होगा, तो उसमें हमें 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेना पड़ेगा। जब हम इतना ऑक्सैलिक एसिड लेंगे और उसको एक लीटर में डिजॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.2 नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन का ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से हमें कितना वेट लगता है 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का, ये इसका प्रोसीजर है, इसका कैलकुलेशन है। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। यहाँ पर बताया है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द KOH रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग 0.2 मोलार 500 ml सॉल्यूशन। देखो सिमिलर है, उसके जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर नॉर्मलिटी नहीं, यहाँ पर मोलैरिटी बताई गई है कि हमें कैलकुलेट करना है कि कितना वेट लगेगा KOH का, जो कि 0.2 मोलार 500 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें लगेगा। तो यहाँ पर मॉलिकुलर वेट गिवन है, मॉलिकुलर वेट ऑफ KOH इज 56 है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि गिवन क्या है, गिवन है मॉलिकुलर वेट विच इज 56। दूसरा क्या है, ये इसका फॉर्मूला है कि किस तरह से हम मोलरिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते थे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ KOH, मतलब हमें ये पता करना है कि कितना हमें ये लगने वाला है। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला है, मोलरिटी ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। ओके, अब देखो यहां पर हमें मोलारिटी कितनी बताई गई है कि कितने मोलार सॉल्यूशन बनाना है, 0.2, तो हम यहां पर 0.2 पुट करेंगे। अब हमें यहां पर यही निकालना था कि ग्राम पर लीटर, मतलब उसका वेट ही निकालना था, तो ये टर्म्स हमें अभी निकालनी है, वेट ऑफ द सॉल्यूट यही हमें निकालना है कि कितना उसमें डिसॉल्व करना पड़ेगा, 500 ml में KOH कितना डिसॉल्व करना पड़ेगा। उसका मॉलिकुलर वेट यहाँ पर लिखेंगे, मॉलिकुलर वेट कितना है, 56 है, ये 1 लीटर के लिए। और हमें सॉल्यूशन बताया कितना है, बताया है उन्होंने कि 500 ml बनाओ, तो 500 ml यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो ये सिंपल कैलकुलेशन क्या होगा, अब ये बन जाएगा 2 और हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इसको इधर ले लो। ओके, ये डिनोमिनेटर में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन गया है 0.2
इंटू 56 अपॉन 2, ये कैलकुलेशन आता है 11.2 अपॉन 2, इट बिकम्स 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम। तो देखो ऑक्सैलिक सॉरी KOH हमें कितना यहाँ पर डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें KOH डिसॉल्व करना पड़ेगा 5.6 ग्राम, मतलब हमें 5.6 ग्राम KOH वे करना पड़ेगा और उसको 500 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें 0.2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन हमें KOH का मिलेगा। ओके ठीक है, आया समझ में? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये मोल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है। तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम इसमें क्या पूछा है। अब देखो यहां पर कहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। देखो दो दो सॉल्यूशन मिक्स है, इथेन सॉरी दो इसमें कंपोनेंट मिक्स है, मतलब इथेनॉल का ये वाटर में सॉल्यूशन है, इथेनॉल एंड वाटर मिक्स है। इफ द सॉल्यूशन कंटेन, इफ द सॉल्यूशन कंटेन, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में 6 मोल ऑफ द इथेनॉल, इथेनॉल के कितने मोल है इसमें 6 है, और वाटर के कितने मोल है 3 मोल है। तो देखो वाटर के 3 मोल है और इथेनॉल के 6 मोल है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल। ओके अब टोटल मोल कितने हैं, तो देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसमें से आउट ऑफ दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसमें से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालने हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने हैं, 6 है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 6 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, 3। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 6 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल है और ये 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है, बराबर वाटर है। तो ये हो जाएगा 6/9, क्या हो जाएगा 6/9, 6 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल है और 9 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है। तो इनका रेशियो आएगा, ये कैलकुलेशन आएगा 0.67, कितना आता है 0.67 आता है। ओके तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें जो भी मोल्स है उसमें से इथेनॉल के कितने मोल्स है, कितने मोल्स है, तो इथेनॉल के मोल्स है 6 और टोटल मोल्स कितने हैं 9, इथेनॉल और वाटर के मिला के कितने होते हैं 9। तो हमें क्या करना होता है कि इथेनॉल के मोल्स कितने हैं उसको टोटल मोल से अपॉन करना होता है। तो इथेनॉल के मोल्स है 6 और टोटल मोल्स है 9, तो 6/9 हो जाएगा, इट बिकम्स 0.67। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लेते हैं, तो वाटर के लिए क्या होगा, वही जिस तरह से इथेनॉल के लिए निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर के कितने मोल्स है, तो देखो वाटर के 3 मोल्स है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो ये तो 9 है दोनों के मिला के। ओके तो 3/9, 3/9, 3/9 आएगा 0.33। यस वाटर का कितना आया है, वाटर का आया है 0.33। अब देखो इसमें मोल फ्रैक्शन जब हम पढ़े थे तो मैंने बताया था आपको कि मोल फ्रैक्शन कितने भी कंपोनेंट हो उसमें, बाइनरी सॉल्यूशन हो टर्नरी सॉल्यूशन हो, जो भी मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा अगर हम उनका सम करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.67 ये इथेनॉल के लिए है और 0.33 ये वाटर के लिए है। आप इनका सम कर दो कितना आएगा, इनका सम करने के बाद ये आएगा 1। तो हम ये पढ़ ही चुके हैं कि मोल कंपोनेंट जो मोल फ्रैक्शन होता है, सम ऑफ दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स कितना आता है 1। तो देखो ये 1 ही आएगा, 1 ही आता है। ओके तो ये थे
हेंस द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 6.7 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.33। ओके, तो ये था कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बेस पे थे, जो हमने अभी तक लेक्चर किए हैं, मतलब आपने अभी तक जितना पढ़ा है 4 लेक्चर में, उसी के बेसिस पे ये न्यूमेरिकल्स थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप अगर इसमें और भी एग्जांपल्स है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब तक आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, ये हर साल के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।